मैं आज ओमान जा रहा हूँ और बोर्डिंग करा के इस वक्त लॉन्च में बैठा हूँ एंड राइट नाउ आई एम बिल्कुल फ्री। जो स्टार्टिंग का सारा प्रोसेस होता है बोर्डिंग से पहले, वो व्लॉग करने का दिल नहीं किया, हाथ फर्क नहीं होते, सो आई एम गोइंग बैक टू ओमान। मेडिकल हो गया, मेडिकल आई हैव गॉट द विंडो सीट एंड व्हाट कुर्सी रखें और खाने की मेज बंद कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है तमाम इलेक्ट्रॉनिक अलार्म मोबाइल फोन पर या फ्लाइट मोड पर कर दें, क्योंकि इनके इस्तेमाल से जहाज का नेविगेशन और कम्युनिकेशन का निजाम मुतासर हो सकता है। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे, पूरा कोहरा ही कोहरा चारों तरफ, कोहरा ही कोहरा है बस। आ, आ, बहुत ऊपर है। I have reached Oman and now I am going to Ibri. Finally, after a long time, Pakistan में 2 महीने गुजारे थे और अब Ibri आके ऐसा लग रहा है कि गया ही नहीं था, टाइम का पता ही नहीं चला। So I am in Mawasalat bus right now and I am going to Ibri. और यहाँ का मौसम काफ़ी गर्म है यार, मैं मौसम अपडेट्स ही देता रहता हूँ। खैर यहाँ पर बहुत गर्मी है लेकिन हवा भी चल रही है, बाहर अच्छी है। चलो खैर, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही है, अभी थोड़ी देर में ये खिड़की टुटुम टुटुम करेगी। हर्ड इट। सो आई एम फाइनली बैक, आई एम इन ओमान राइट नाउ, आई एम इन Ibri फाइनली, माय होम प्लेस। हो व्हाट अ कोइंसिडेंस, होम प्लेस प्लस होम माय ओल्ड स्टूडियो। आप लोगों को तो पता है, जो जो जानते हैं कि दिस इज़ माई ओल्ड स्टूडियो और माई मोस्ट फेवरेट स्टूडियो आई गेस। बाहर गर्म हवाएं चल रही है इस वक्त बहुत तेज़, यू हर्ड इट। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, दैट वॉज माई जर्नी फ्रॉम पाकिस्तान टू ओमान। इट वॉज जस्ट द मिडल पार्ट, ना कोई स्टार्टिंग थी ना कोई एंडिंग थी, ओनली द मिडल पार्ट। बट दैट्स वॉट फन इज, यू नो, द मिडल पार्ट। या खैर, आज मुझे 5-6 दिनों के बाद टाइम मिला है। मैं 5-6 दिन पहले आया था ओमान या उससे ज़्यादा। खैर
आज आप लोगों के सामने मैं बैठा हूँ. आई एम एड्रेसिंग यू के आई एम बैक इन ओमान बिकॉज आई एम फाइनली फ्री फ्रॉम ऑल द स्टफ, फ्रॉम ऑल द वर्क जो कि मैंने यहाँ पर आके कंप्लीट करना था. घर बड़ा गंदा हुआ था, उसको सेट करना था और बड़ा थका हुआ था. थकन दूर दूर करके सब मैं इधर बैठ गया हूँ आपके सामने. एंड यस, आई एम इन ओमान फाइनली वंस अगेन. और अपडेट्स कुछ भी नहीं. द स्वात कलाम वीडियो, यस, हम ईद के बाद स्वात कलाम गए थे. बाय द वे, आई एम सॉरी कि ईद का कोई व्लॉग नहीं आया और आई वाज रियली बिजी ऑन ईद डे एज वेल. कुर्बानी के बाद मैं सो गया था शायद, या शायद नहीं, लेकिन इट वाज अ हेक्टिक डे, वेरी टफ डे फॉर मी. तो ना व्लॉगिंग की मैंने, ना ईद मुबारक कहा आप लोगों को. वेल बिलेटेड ईद मुबारक एंड 14 अगस्त मुबारक. एंड आई स्टैंड विद कश्मीर. और क्या होगा, बस आई थिंक यही पिछले टॉपिक्स गुजरे हैं. बट या, आई स्टैंड विद कश्मीर. बहुत दुख हुआ मुझे कि आज 12 बजे सबने बाहर निकलना था, पूरा पाकिस्तान ने बाहर निकलना था, क्योंकि हमारे बिलव्ड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था कि 12 बजे सब बाहर निकलना. और काफ़ी फ्रेंड्स ने जो है ना वीडियोस बनाई थी और मुझे भेजी कि कोई भी नहीं है बाहर. ये देखें, यार अब 12 बजने वाले हैं कश्मीर डे के लिए. अब निकलने लगा हूँ मैं, ठीक है. चलो जी, 12 बज गए. ये मैं निकल पड़ा कश्मीर के लिए. ये मेरा पूरा मोहल्ला भी निकला हुआ है. देखो कितना शोर मच रहा है, कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान. यार बंदा कहे जुम्मे से पहले आपने क्यों रखा है, कोई सैटरडे रखो, सैटरडे रखो. जुम्मे से पहले तो खुद पूरी दुनिया नहीं निकल रही होती, जुम्मे के लिए तैयार करनी होती है, तो सब कुछ काम करना होता है. नहीं, आप लोगों ने क्या किया. तो जी मैं आपको सारा मोहल्ला दिखा देता हूँ, कौन कितना निकला हुआ है. पीछे 3 बंदे निकले हैं यार, ठीक है. अब ये घोड़े वाला एक निकला हुआ है. लोग काम के लिए जा रहे हैं भाई, ऐसे नहीं निकलते, ठीक है. कोई भी नहीं निकला हुआ. आपने ऐसी एक चीज़ बना दी है, स्कूलों के बच्चों को छुट्टी होती है 12 बजे. आप उनको 12 बजे से आधे घंटे बिठाए रखोगे, बच्चों को गुस्सा चलेगा, बच्चे कहेंगे यार हमारे लिए वक्त डाल दिया. फिर वो कश्मीर के लिए नहीं होगा. आप कोई ऐसा वक्त रखो कि जिसमें आराम से हर कोई कर सके, जैसे ब्रेक हो गई उनकी, उनको दरमियान में कोई वक्त देते नहीं. देख ही जाओ, मैं आपको पूरा मोहल्ला दिखा रहा हूँ. यहाँ पर नहीं निकला हुआ, मैं दूर तक भी जा रहा हूँ, ठीक है. आके देख लो, कोई भी नहीं है, कोई निकलेगा ही नहीं, मुझे सच्ची तरह पता है. केला मैं इधर फिर रहा हूँ कश्मीर के लिए, नारे लगा रहा हूँ कश्मीर बनेगा पाकिस्तान. यार अब आप लोग कश्मीर के सफीर बन गए तो आप कुछ भी करते रहोगे. ये अजीब सी चीज़ थी कि अब क्या आज़ादी मिल गई कश्मीर को, जाके उनके हक के लिए लड़ो, सबको बताओ कि यार कश्मीरी क्या हो रहा है उनके साथ. आप लोग कुछ करते हो नहीं, बस इधर से रैलियाँ निकालनी है. रैलियों से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला मुझे जहाँ तक लगता है. आप लोगों के सामने है ये कितना निकला है, मैंने मोहल्ला पूरा फिर लिया. ये एक तरह से तो होना चाहिए था कि 12 बजे पूरा पाकिस्तान निकलता, ये कह तो यही जा रहा था कि पूरा पाकिस्तान निकलेगा, लेकिन निकला अभी तक कोई भी नहीं. ये मैं बहुत दूर तक आ गया अपने घर से, यहाँ पर सीधा कोई भी नहीं. अब मैं बाग की तरफ जा रहा हूँ कि आपको दिखाऊँगा, क्या पता बाग में लोग इकट्ठे हुए हों. फिर आगे लोग ये बाग तक खाली भरा है, कोई बंदा. ये लोग सिर्फ और सिर्फ बातें कर सकते हैं कि यार कश्मीर आज़ाद करो, दो लफ्ज लिख सकते हैं हैशटैग सेफ कश्मीर, ठीक है. कोई निकलेगा कभी जिंदगी में नहीं. आपके सामने है पूरा ग्राउंड खाली, सब कुछ खाली पड़ा हुआ. कश्मीर के लिए निकले यार, टाइम ऐसा रखो कि जहाँ सारे निकल सके. आपने रखा भी नमाज से पहले है कि लोगों ने नमाज की तैयारी करनी होती है, जुम्मे की सारी तैयारी करनी है. कोई भी नहीं है यहाँ पे. अब ये मैं अपने दोस्त के घर तक पहुँचने लगूँ लेकिन मुझे कोई निकलता नजर नहीं आया. अकेला मैं ही इधर फिर रहा हूँ, बाकी सारी दुनिया अपना काम कर रही है. हो सकता है एक अंकल निकले हो, ठीक है. कश्मीर के लिए कोई भी नहीं निकला हुआ इस वक्त, कोई एक बंदा भी नहीं निकला. बस थोड़े आगे चलता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो गई है. मुझे पता है आप में से कोई आधे लोग बंद कर चुके होंगे इस वक्त, तो मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके दिखा दूँ, फिर उसको बंद करता हूँ. कौन कितना निकला हुआ, ये सारी दुनिया अपने काम में. वो
वो फ्रंट देखो, पंजाब पुलिस के बच्चों को छुट्टी हो रही है, कोई निकलेगा ही नहीं कभी कश्मीर के लिए भाई जान। सिर्फ वो लोग सिर्फ बातें लिख देंगे तो निकलेगा कोई भी नहीं। ये मैं आपको दिखाना था, आप लोग अपना मोहल्ला देख लेना कितने निकलते हैं। सिर्फ निकलेंगे कौन, कोई पार्लियामेंट के कुछ बंदे निकलेंगे, वही शुरू से जितना मीडिया ने बता दिया हमें लगेगा पूरा पाकिस्तान निकल पड़ा। जिस तरह मेरे मोहल्ले में कोई नहीं निकला ना, बलोचिस्तान सिंध और कहीं पे भी नहीं ज़्यादा बच्चों ने निकला। ये रहमान पूरा कैंपस नेटिव स्कूल सिस्टम को छुट्टी हो गई है, वो बच्चे छोड़ने ना जाएं। ठीक है यार, वक्त बड़ा अजीब रखा है, उसको चेंज करो। मैं ज़्यादा और कुछ नहीं कहता, आपके सामने क्या है कि कौन कितना कश्मीर के लिए निकला, बस इतना ही कहना चाहूँगा। यार थोड़ी हया करो, कोई अमली चीज़ लेके आओगे, ऐसी कोई फजूल सी चीज़ आप लोग ले आए, उसके निकलेंगे तो आज़ादी कुछ भी नहीं हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। खैर आफ्टर ऑल दिस स्वात कलाम की बात करेंगे। स्वात कलाम की वीडियो यार थोड़ी लेट हो जाएगी, लेकिन आई मेड अ ट्रेलर, टीजर ट्रेलर, जो कि संडे को आएगा। आज फ्राइडे है और परसों संडे है, और संडे को इंशाल्लाह आप लोगों को ट्रेलर मिलेगा। और आई थिंक 2 वीक्स के बाद दी ट्रैवलॉग विल कम आउट। या खैर अभी हम लोग जाएंगे सुख इब्री सुख, दैट इज प्रीटी ऑब्वियस क्योंकि 4:30 हो गए हैं एंड इट्स सुख टाइम, लेट्स गो। Ladies and gentlemen, I'm with the great. Taking the light. I'm with the great. Asim, yaar, pura naam kya? Ah, main bhool gaya. Asim Ansari. Zordar taaliyan. Acha, aajkal Asim bahut udaas hai. Kyunki pehli baar iski shaadi नवंबर में और वेट नहीं हो रहा है। और दूसरी बात, इसका जो वर्कर और इसका जो बेस्ट फ्रेंड जो इस चेयर पे बैठता था मिस्टर चांद, वो इंडिया चले गए वापस। कैसा फील हो रहा है आप, बताइए। फील क्या, बस अभी तो अकेले हो गए, आउट ऑफ सीजन है तो सही है, जाना चाहिए इंडिया घूम फिर के आ जाएगा 2 महीने। और हम आसिम भाई से पूछेंगे कि न्यूजीलैंड ने इंडिया की कैसी बचाई नेक्स्ट एपिसोड में। अब्दुल मालिक तुम्हारा आवाज किधर गया, वीडियो होते यार तुमको, उसमें एक बार फिर से अपना व्लॉग्स में स्वागत करता हूँ। वेलकम बैक अब्दुल मालिक, कैसा फील हो रहा है आपको इतने अरसे के बाद मेरे वीडियो में आने का? इधर फील हो रही है। अच्छा और सब बढ़िया।